ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र की राजनीति दिल्ली शिफ्ट होने के बाद और भी दिलचस्प होती जा रही है। राज्यसभा के 250वें सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में एनसीपी नेताओं की तारीफ करके इस राजनीति को और गर्मा दिया है। उधर महाराष्ट्र में सरकार बनाने का सपना देख रही शिवसेना को शरद पवार के सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद आए बयान से बड़ा झटका लगा है। शरद पवार ने कहा कि हमारे बीच सरकार बनाने को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई है। वहीं शरद पवार और सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद पवार से मिलने पहुंचे शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि शरद पवार को समझने में कई जन्म लग जाएंगे। राउत ने कहा कि पवार साहब का कद बड़ा है, प्रधानमंत्री भी उनकी तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि मैंने बीजेपी और शिवसेना में समझौते का एक नया फॉर्मूला सुझाया है, जिसके तहत 3 साल तक मुख्यमंत्री पद बीजेपी के लिए और बाकी के 2 साल शिवसेना के लिए हो सकता है। अठावले के मुताबिक इस बारे में उनकी संजय राउत से बात भी हो चुकी है और इसके जवाब में संजय राउत ने कहा कि अगर बीजेपी सहमत हो तो इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह की आग उगलने वाली राजनीति इन दिनों देखी जा रही है उससे अब बीजेपी शिवसेना गठबंधन की संभावना तो दूर दूर तक नजर नहीं आती। पॉलिटॉक्स की ये बात इससे भी साबित होती है कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से बनी दैनिक दिनचर्या के तहत आज फिर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी नेताओं पर अपना हमला जारी रखा। शिवसेना ने बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी को टेढ़े मुंह वाला बताते हुए कहा कि कश्मीर में मुफ्ती की पार्टी से निकाह करने से पहले बीजेपी ने NDA से पूछा था, क्या फिर हमें NDA से निकालने वाले तुम कौन हो। शिवसेना ने कहा कि बीजेपी नेताओं की बयानबाजी से साफ हो गया है कि इनके विचारों की खुजली बाहर आ गई है। शिवसेना ने NDA गठबंधन से खुद को अलग किए जाने का जबरदस्त विरोध करते हुए अपने मुखपत्र सामना में कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में से शिवसेना के नहीं होने की घोषणा दिल्ली के बीजेपी नेताओं ने किस आधार पर और किसकी अनुमति से की। दिल्ली के मोदी मंत्रिमंडल में से किसी एक प्रहलाद जोशी ने यह घोषणा की है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस से शिवसेना से संबंध जुड़ने के कारण उन्हें NDA से बाहर निकाल दिया गया है और उनके सांसदों को संसद में विरोधी पक्ष में बैठाया गया है। शिवसेना ने कहा कि जिस टेढ़े मुंह वाले ने यह घोषणा की है उसे शिवसेना का मर्म और NDA का कर्म धर्म का नहीं पता। सामना में आगे लिखा कि कश्मीर में राष्ट्रद्रोही और पाकिस्तानियों के गीत गाने वाली महबूबा मुफ्ती के साथ सत्ता के लिए निकाह करने वाले बीजेपी ने NDA की अनुमति ली थी क्या। सारे लोगों के विरोध में जाने के दौरान मोदी का बचाव करने वाले शिवसेना प्रमुख के संगठन को NDA से बाहर निकालने का मुहूर्त मिला, वो भी शिवसेना प्रमुख बाला साहेब पुण्यतिथि का। खुद को हरीशचंद्र का अवतार मानने वालों ने हरीशचंद्र जैसा बर्ताव नहीं किया। अब इनकी राजनीति की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के कोने कोने में अब सिर्फ एक ही गर्जना होगी, शिवसेना जिंदाबाद। हिम्मत है तो आओ, आओ सामने, हम तैयार हैं। शिवसेना ने आगे लिखा, NDA से शिवसेना को बाहर निकालने की बात करने वालों को एक बार इतिहास देख लेना चाहिए। बाला साहेब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस और पंजाब के बादल जैसे दिग्गजों ने जब NDA की नींव रखी उस समय आज के दिल्लीश्वर गुदड़ी में भी नहीं रहे होंगे। कईयों का तो जन्म भी नहीं हुआ होगा। आज NDA का प्रमुख या निमंत्रक कौन है, इसका उत्तर मिलेगा क्या? शिवसेना को बाहर निकालने का निर्णय किस बैठक में और किस आधार पर लिया गया? शिवसेना ने आगे कहा, कोई एक टेढ़े मुंह वाला प्रहलाद जोशी उठता है और शिवसेना को NDA से बाहर निकालने की घोषणा करता है। ठीक ही हुआ, इस कृत्य से तुम्हारे विचारों की खुजली आज बाहर आ गई है। पिछले कुछ दिनों से झूठ मूठ की खुजली शुरू थी, उसके पीछे की असली बीमारी आज बाहर आ गई है। अब इन खुजलीबाजों को इस कृत्य के लिए दिन भी मिला तो कौन सा? शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के 7वें स्मृति दिन का मुहूर्त मिला। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।